के लेक्चरर्स यहाँ पे हैं जो करगिल और लेह में पोस्ट हुए हैं 2017 में। ये सभी लेक्चरर जो हैं अंडर SRO 202 के तहत पोस्ट हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सिर्फ 60 लेक्चरर्स को यहाँ पे 2017 में पोस्ट किया गया, और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिलाया कि आपको विद इन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर जो टेन्यूर है लद्दाख ट्रांसफ़र पॉलिसी में, उसके बाद आपको वापस लाया जाएगा। जब हमारा यहाँ 1 साल हो गया, हमने फाइल को प्रोसेस किया सेक्रेटरीट में, हम लास्ट ईयर दिसंबर 2018 से प्रोसेस कर रहे हैं फाइल को, और अभी तक फाइल का कोई आउटपुट नहीं निकला है। यही हमारे SRO 202 में 1000 से ज़ायद लेक्चरर्स जो है अपॉइंट हुए थे, जिनमें सिर्फ 60 लेक्चरर्स को इन्होंने लद्दाख रीजन में पोस्ट किया, और बाकी सभी लेक्चरर्स जो हैं मोस्ट मेजॉरिटी में उनको जोन 1 और जोन 2 में जम्मू और वैली में अपॉइंट किया गया है। जबकि SRO 202 में सिर्फ थर्ड जोन में ही पोस्टिंग करनी है। पहला पॉइंट ये है कि SRO 202 में सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, के गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए SRO 202 में थर्ड जोन था, लेकिन सिर्फ 60 लेक्चरर्स को लद्दाख रीजन में पोस्ट किया गया, और अभी 2 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं तो हमें यहाँ से इन्होंने अभी तक ट्रांसफ़र का कुछ नहीं सोचा है। जबकि हमारा बार बार सेक्रेटरीट से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हमारे सेक्रेटरी जो हैं उनसे कहना है कि हमें यहाँ से टेन्यूर कंप्लीट हो गया है, हमें यहाँ से वापस लिया जाए, रिपेट्रिएट किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये SRO 202 में ये लिखा है कि आपको कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं करना है, जो भी अपॉइंट हुए हैं 5 ईयर्स के लिए उनको ट्रांसफ़र नहीं होगा, और हमारे ही लेक्चरर्स जो हैं अंडर SRO 202 उनको विद इन 2-3 मंथ्स ट्रांसफ़र किया गया। इवन के हमें भी जम्मू में ही थर्ड जोन में अपॉइंट किया गया था, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने हमें पहले थर्ड जोन जम्मू में अपॉइंट किया था, और उसके बाद 3 महीने के बाद ही थर्ड जोन जम्मू से ही हमें लद्दाख ट्रांसफ़र किया गया। जबकि ये पहला वायलेशन हुआ है ट्रांसफ़र पॉलिसी में SRO 202 का। गवर्नमेंट जब खुद वायलेशन करती है इस चीज़ की, बाद में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। वहाँ से हमें ट्रांसफ़र करके यहाँ किया,